खबर हरियाणा के करनाल से। सीएम सिटी करनाल के जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण कार्यालय परिसर स्थित शहीदी स्मारक पर आज पुष्प चक्र अर्पित करके शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। करनाल जिला प्रशासन की ओर से नगराधीश विजय मल्लिक ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अमर शहीद राव तुल्ला राम के चित्र पर बकायदा पुष्प अर्पित भी किए गए, साथ ही दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर नगराधीश ने कहा कि देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को हमें सदैव याद रखना चाहिए और उसके परिवार को समाज में विशेष सम्मान मिले, इसके लिए हम सबको सांझे कड़े प्रयास करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश का हर नागरिक अपने हित के लिए तथा अपने परिवार के हित के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, परंतु सैनिक केवल देशहित के लिए कार्य करता है। उन्होंने 23 सितंबर का महत्व बताते हुए कहा कि यह दिन पूरे प्रदेश में हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाते हुए हरियाणा के वीर शहीदों को समर्पित है। आज का दिन शहीद अमर शहीद राव तुल्ला राम को याद करते हुए मनाया जाता है, जो कि रेवाड़ी के गांव रामपुरा के रहने वाले थे। उन्होंने आज़ादी के लिए अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम में कड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष के चलते वह शहीद भी हो गए। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि देश की आबादी के हिसाब से हमारे प्रदेश से सैनिक एवं अर्ध सैनिक बलों में तैनात होने वाले सैनिकों की संख्या अधिक आबादी वाले प्रदेशों से कई गुना अधिक है। इस कार्यक्रम में उपस्थित युद्ध वीरांगनाओं से बातचीत भी की, उनकी उन्होंने समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन सदैव आपके साथ है और आपकी समस्या का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि सैनिक देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं और युवाओं को चाहिए कि वे समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ें और समाज में अच्छा वातावरण तैयार करें। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट, यह देखिए विशेष रिपोर्ट। सभी को आज करनाल जिला प्रशासन ने शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम शायद थोड़ा बड़ा होता अगर महामारी का समय ना होता। आज के दिन हम अपने सभी शहीदों जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उन सभी फौजी भाइयों का भी हम नमन करते हैं जो दिन रात कठिन परिस्थितियों में अपने देश की सीमाओं पे हमारी रक्षा करते हैं। देश के युवाओं को मैम क्या संदेश देना चाहूँगी? मैं देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, परंतु हमें अपने देश के अंदर के जो हमारी जो कुरीतियां हैं उनसे लड़के हम अपने देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। 23 सितंबर को राव तुल्ला राम की जयंती है, इस उपलक्ष्य में हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस मनाया जाता है और इस जिला प्रशासन और जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से इस समारोह को मनाया जाता है और सभी जो शहीद सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। तो कौन कौन लोग यहाँ पहुँचे हैं सर? एक तो सीटीए मैडम पहुँची हैं और 5 हमारी युद्ध वीरांगनाएं पहुँची हैं और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसमैन प्लस जिला प्रशासन व जिला सैनिक बोर्ड के सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित। आपका नाम? MS यादव। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.